दिनों शिमला में एक छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर हमीरपुर में भी मामला गर्म आ गया है। जिला कांग्रेस ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस ने सरकार द्वारा मामले पर गंभीरता से कार्रवाई न करने पर जोरदार नारेबाजी की। बाद में कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सरकार के उदासीन रवैये का विरोध जताया। इस ज्ञापन में राज्यपाल से मांग की गई कि दोषियों को तुरंत पकड़ने के लिए कार्रवाई करने तथा प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अगुवाई में सौंपे गए इस ज्ञापन में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गत एक वर्ष में 19,500 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। प्रेम कौशल ने बताया कि 350 के करीब बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं और 1,500 के करीब मादक पदार्थों के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसी वजह से प्रदेश में इस तरह के कांड हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कानून व्यवस्था पर भी कई सवालिया निशान लगाए हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा किया और चुनावी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने बटेहर भुक्कड़ और नुक्कड़ सभा के दौरान जमकर कांग्रेस पर हमले किए और आरोप लगाया कि शिमला में गत दिनों हुए दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है क्योंकि सीएम ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति करेगी तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा क्योंकि कुछ दिनों में जांच की रिपोर्ट आएगी तो कांग्रेस को भी प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के सतपाल सत्ती पर की जा रही टिप्पणियों पर अनुराग ठाकुर ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं पा रही है और बहुत जैसे लोग कांग्रेस की सभाओं से उठकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से दुखी होकर वोटर हर दिन बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होना बताता है कि फिर से एक बार देश में मोदी सरकार बने। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बीजेपी पर नशों को बढ़ावा देने के बयानों पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में नशे की पोत लगाई थी जिसमें परिणाम अब आए हैं, लेकिन बीजेपी ने नशों को खत्म करने के लिए खेलों का बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक साल के कार्यकाल में पिछले 5 सालों से अच्छा रिकॉर्ड मिलेगा और पुलिस ने चिट्टे के केसों में भी ज्यादा लोग पकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने रामपुर में जनसभा से पूर्व पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में दो वरिष्ठ नेताओं के एक साथ होने से भाजपा बौखला गई है। उन्हें पता है कि हिमाचल के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे में प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री सिंघी राम के भाजपा में जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पूर्व सिंघी राम आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी जमानत भी नहीं बची। वे अगर 6 बार विधायक बने हैं तो कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कारण उन्होंने बताया कि अनिल शर्मा के पीरा सुखराम और बेटे आश्रय के कांग्रेस में जाने के बाद अनिल शर्मा को पार्टी से निकालने के लिए घबराहट हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चुनौती दी कि अगर दम है तो अनिल शर्मा को निकालकर स्वयं उनकी सीट से विधायक के चुनाव लड़कर देखें, सच्चाई सामने आ जाएगी।